जय हिंद साथियों, सक्सेस की 92 चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो टॉपिक है आपका, नहीं, हमारे भारत में अधिकतर एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है पृथ्वी की गतियां, नहीं, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना एक अलग नया इतिहास पैदा कर, मांगने से जिंदगी कम मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर, एक नया विश्वास कर पैदा कर। दोस्तों, आप जो कुछ करना चाहते हैं, आपका जो भी उद्देश्य है, वह उद्देश्य पूरा होगा। आप जो कदम उठाते हैं उस पर विश्वास रखिए और लगातार परिश्रम करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके द्वारा तय की गई मंजिल आपको जरूर मिलेगी। चलिए साथियों, इसी और आशा और विश्वास के साथ हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की गतियां इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं, जो आपके एनसीईआरटी का जो क्लास 6 का किताब है उसके अंदर अंदर है। और यह प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एनसीईआरटी को समझना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को समझने में भी मदद करेगा, ठीक है। साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि हमें एनसीईआरटी को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। नहीं तो आज हमारा जो टॉपिक है ये आपके सामने है, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आइए पृथ्वी की कुछ अवस्था को समझते हैं, नहीं, उसके बाद इस टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, नहीं, और हमारी पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का किरण सीधा पड़ता है उसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत वृत्त कहा जाता है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के मध्य से खींचा गया है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, नहीं। और यह भूमध्य क्या करता है, हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, नहीं, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, नहीं, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है या उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, कहा जाता है मकर रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त। और 0 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। नहीं, हमारे पृथ्वी पर जितनी भी रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है उन सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और यह जो 5 अक्षांश रेखा है, ठीक है,
ये पृथ्वी की महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कहलाती है, जो ये बताती है कि पृथ्वी पर तापमान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, विषुवत रेखा से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं उत्तरी गोलार्ध की ओर, तो हमारी पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर अक्षांश रेखा सबसे छोटी होती है उसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो ठीक इसी प्रकार से, नहीं, दक्षिणी गोलार्ध का हमारी पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर अक्षांश रेखा की लंबाई सबसे छोटी हो जाती है इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो अक्षांश रेखा की सबसे छोटी लंबाई कहाँ होती है? उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, इसको कहा जाता है पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी का अक्ष, और इसी अक्ष पर पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती रहती है। तो इन चीजों को समझने के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज चैप्टर है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में समझना क्या है। ठीक है, तो यहां जो पृथ्वी का हम लोग चित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये चित्र, इसमें विषुवत, वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा को अभी हम लोगों ने समझा है, उसके बाद उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले जो पृथ्वी का अक्ष है इसको भी समझा है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वह अक्ष क्या करती है? अपने समतल अक्ष के साथ पृथ्वी क्या करती है? इसका जो समतल अक्ष है, इस समतल अक्ष के साथ पृथ्वी का जो अक्ष है वह अक्ष क्या करता है? 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। 66.5 डिग्री पृथ्वी के समतल अक्ष के साथ, नहीं, पृथ्वी का जो अक्ष है वह 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के लंबवत अक्ष के साथ पृथ्वी का जो अक्ष है वह 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। 23.5 डिग्री। तो हमारी जो पृथ्वी है अपने लंब के अनुसार 23.5 डिग्री झुकी हुई है, नहीं, और इसका प्रभाव पृथ्वी के गति पर पड़ता है। हमारी पृथ्वी के पास दो गति है। हमारी पृथ्वी के पास सबसे पहली गति वो है जिसके कारण हमारी पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर घूम जाती है। तो पृथ्वी के इस गति को कहा जाता है घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, नहीं, और पृथ्वी के घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। कैसे दिन और रात होते हैं? आइए इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये सूर्य है और सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, ठीक है, अपन ये पृथ्वी का अक्ष है और इस अक्ष पर जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो घूमने के क्रम में क्या होता है? पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है, नहीं, वहाँ दिन होती है और पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य से दूर रहता है जो भाग वहाँ रात्रि होती है। ठीक है, एक बार और बातों को समझेंगे। हमारी पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और घूमने के क्रम में पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहाँ दिन होती है और पृथ्वी का जो भाग सूर्य से दूर रहता है वहाँ रात्रि होती है, नहीं, तो पृथ्वी पर दिन और रात के होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति या दैनिक गति कहलाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर
लगभग 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार लिखा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे, या दूसरे कई बुकों में मैंने देखा है कि पृथ्वी के बारे में कहा गया कि वह 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में क्या करता है, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो यही क्या कहलाता है, पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति कहलाती है। ठीक है, घूर्णन के समय को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, और इसी के कारण रात्रि भी होती है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में एक चक्कर अपने ध्रुव पर लगा लेती है, इसलिए दिन की जो अवधि होती है, दिन रात मिलाकर कितनी होती है, 24 घंटे की होती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण। नहीं, पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, साथ साथ सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पश्चिम से पूरब दिशा की ओर क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। नहीं, तो पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूमने में क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के इस अवधि को क्या कहा जाता है, वर्ष बोलते हैं हम लोग। नहीं, एक बार और समझे इसको, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य की, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 366 दिन 6 घंटे का समय लगता है, और हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, एक वर्ष में 365 दिन को गिनते हैं और 6 घंटों को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है कि 4 वर्षों में प्रत्येक बचे हुए जो 6 घंटे होते हैं, यह मिलकर 24 घंटे या एक दिन हो जाता है। तो 4 वर्ष के बाद जो ये 24 घंटा या एक दिन बढ़ गया, तो इसी को 4 वर्ष के बाद क्या करते हैं, फरवरी महीना जो आमतौर पर कितना 28 दिन का होता है, उसी में एक दिन जोड़ देते हैं, जिसके कारण फरवरी क्या होता है, 29 दिन का हो जाता है। और जिस वर्ष फरवरी 29 दिन का होता है, उस वर्ष एक वर्ष में कुल कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन, और इस वर्ष को क्या बोलते हैं, लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर का मतलब क्या, वैसा वर्ष जिसमें एक एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो यह पृथ्वी क्या करती है, अपनी कई अवस्थाओं से गुजरती है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। नहीं, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना कहलाता है परिक्रमण या वार्षिक गति कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना क्या कहलाएगा, परिक्रमण या वार्षिक गति कहलाता है। ठीक है, तब कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, आइए एक एक बातों को हम लोग विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो यह कई अवस्थाओं से गुजरती है, जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, और यह जो ऋतु होता है वह 6 4 प्रकार के होते हैं, गर्मी ऋतु, सर्दी ऋतु, वसंत ऋतु और शरद ऋतु। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से यह समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी पर गर्मी ऋतु कब आती है, उस जब पृथ्वी पर गर्मी ऋतु आती है तो उस समय पृथ्वी सूर्य के सामने किस अवस्था में होती है, उसी प्रकार से सर्दी ऋतु पृथ्वी पर कब आती है, किस महीने में आती है, जिस समय पृथ्वी पर सर्दी ऋतु रहती है तो उस समय सूर्य के सामने पृथ्वी किस अवस्था में होती है। ठीक यही बात वसंत ऋतु और शरद ऋतु के बारे में भी जानेंगे। तो ऋतु में परिवर्तन होने का कारण क्या है, पृथ्वी के स्थिति में परिवर्तन, और पृथ्वी के स्थिति में परिवर्तन कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। नहीं, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, ये जो चित्र आप लोग देख रहे होंगे इसमें बीच में सूर्य है, ठीक है,
और पृथ्वी क्या कर रही है? अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। ये हमारा क्या हो गया? सूर्य हो गया, नहीं, और ये हमारी पृथ्वी की स्थिति है। चार तिथि की सहायता से हम क्या करते हैं? अपने चारों ऋतुओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए 21 जून की बात जब हम करें, तो 21 जून को हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के कर्क रेखा पर, ठीक है, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, और कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने का कारण है कि ये 21 जून को हम पृथ्वी की स्थिति देखते हैं। तो क्या देखते हैं? इसको आप चित्र में देख रहे होंगे कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है 21 जून को सूर्य के तरफ झुका हुआ है, और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वह सूर्य से दूर है। इसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है वह कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है, और कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण होता क्या है? चूंकि उत्तरी ध्रुव का अधिकांश भाग सूर्य के तरफ झुका हुआ है, इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव के अधिकांश भाग को सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। इसके विपरीत यदि हम पृथ्वी के दक्षिणी भाग को देखें तो यह सूर्य से काफी दूर होता है, जिसके कारण पृथ्वी का दक्षिणी जो भाग है वह अंधेरे में है, नहीं, अधिकांश भाग अंधेरे में है। तो यहाँ क्या होती है? ठंडक प्राप्त होती है। इस स्थिति को कहा जाता है उत्तरी अयनांत कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य के तरफ पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव झुका रहता है तो इस स्थिति को उत्तर अयनांत कहा जाता है, नहीं, और ऐसी स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर दिन बड़ा होता है और रात्रि सबसे छोटी होती है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर बात करेंगे तो दक्षिणी ध्रुव पर दिन की जो अवधि होती है वह सबसे छोटी होती है और रात्रि जो होती है वह सबसे बड़ी होती है। कारण क्या है? कि दक्षिणी ध्रुव का अधिकांश भाग सूर्य से दूर है। इस स्थिति में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर चूंकि कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, इसलिए इस स्थिति में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु होती है, नहीं। इस स्थिति में एक बात और है कि उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है और दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि सबसे छोटी होती है। तो ये स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है कब? 21 जून को। किस स्थिति में? तो जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तब। अब आइए इसके विपरीत स्थिति को हम लोग समझते हैं। ये कौन सी स्थिति है पृथ्वी की? तो जब पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य के तरफ झुका रहता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसको मैंने यहाँ भी समझाने का प्रयास किया है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण इस क्षेत्र को अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और ध्रुवों को कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव की ओर उत्तर ध्रुव की ओर झुका होता है। इसलिए यहाँ लगातार 6 महीने का दिन होता है उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है? 6 महीने की रात्रि होती है, नहीं। तो 21 जून को क्या होता है? उत्तरी ध्रुव पर दिन सबसे बड़ी होती है और रात्रि सबसे छोटी होती है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है? 21 जून को दिन सबसे छोटी होती है और रात्रि सबसे बड़ी होती है। तो ये स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। चलिए आगे अब हम समझते हैं। 21 जून को हम लोगों ने क्या किया? समझ लिया पृथ्वी के स्थिति को, ठीक है। अब क्या करते हैं? 22 दिसंबर के स्थिति को समझते हैं। 22 दिसंबर को यदि हम देखें अपनी पृथ्वी को, तो हमारी पृथ्वी को का जो खास करके दक्षिणी ध्रुव है, नहीं, दक्षिणी गोलार्ध क्या है? सूर्य के तरफ झुका हुआ है और उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर है, और इसका भी स्पष्ट प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, साथ साथ ऋतु पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में
जब दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश भाग सूर्य के तरफ झुका हुआ है और उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग सूर्य से दूर रहता है, इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश क्या होता है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। किस रेखा पर? तो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। और सूर्य का प्रकाश जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, नहीं तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव का अधिकांश भाग सूर्य के प्रकाश में होता है, जिसके कारण यहाँ दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है। इसके विपरीत जब हम उत्तरी ध्रुव को देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव का अधिकांश भाग चूंकि सूर्य से दूर रहता है, ऐसी स्थिति में उत्तरी ध्रुव अधिकांश अंधेरे में रहता है, जिसके कारण यहाँ जो दिन होती है उसकी अवधि सबसे छोटी होती है और रात्रि की अवधि सबसे बड़ी होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जब सूर्य के ओर झुका होता है तो पृथ्वी के इस स्थिति को कहा जाता है उत्तर आयन, दक्षिण आयनांत कहा जाता है। ठीक है, यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? 22 दिसंबर को। नहीं तो दो स्थिति को हम लोगों ने देखा पृथ्वी का, खास करके एक 21 जून और दूसरा 22 दिसंबर को। तो 21 जून को क्या क्या होता है ये सब हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसी प्रकार से 22 दिसंबर की स्थिति क्या है ये भी हम लोगों ने देखा। 22 दिसंबर को क्या है, आइए इसको भी हम लोग एक बार और समझते हैं ताकि चीजें और भी स्पष्ट हो जाए, नहीं याद नहीं करना पड़े। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जब लंबवत पड़ती है तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी ध्रुव का बहुत बड़ा भाग सूर्य के प्रकाश में होता है। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है, तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है इसलिए यहाँ लगभग यानी दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है 6 महीने तक का दिन रहता है और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की क्या होती है, रात्रि होती है। नहीं, 22 दिसंबर की स्थिति है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होती है, दिन सबसे बड़ी होती है और रात्रि सबसे छोटी होती है। 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव पर रात्रि सबसे बड़ी होगी और दिन क्या होगा, सबसे छोटा होता है। नहीं, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु होने का कारण क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध क्या है, सूर्य के तरफ झुका हुआ है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ठीक है, पृथ्वी के 22 दिसंबर की स्थिति को क्या कहते हैं, दक्षिण आयनांत कहते हैं। तो ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई कि 21 जून को और 22 खास करके दिसंबर को हमारी पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है और इस स्थिति के कारण पृथ्वी के किस भाग में कौन सी ऋतु होती है, किस भाग में बड़ा दिन होता है, किस भाग में छोटा दिन होता है। नहीं, अब आइए हम लोग समझते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को। 21 मार्च को क्या होता है, इसको आइए हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं 21 मार्च को पृथ्वी के स्थिति को समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और हमारी पृथ्वी का जो अक्ष है बिल्कुल इस ऐसे है, इक्कीस मार्च के दिन सूर्य क्या होता है, इस विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा कहिए या इसी का दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी कहिए। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और सूर्य का प्रकाश जब भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है तो उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर समान रूप से प्रकाश पड़ता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 21 मार्च को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो 21 मार्च को पृथ्वी की जो स्थिति सूर्य के सामने होती है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है,
आइए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीजों को पॉइंटली समझते हैं, ठीक है। 21 मार्च की जैसी स्थिति हमारी पृथ्वी की होती है, ठीक यही स्थिति 23 सितंबर को भी होती है। 23 सितंबर को भी क्या होता है, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। नहीं, इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है, ठीक है, उसी पर सूर्य का प्रकाश खास करके किस दिन 23 सितंबर को सीधा पड़ता है। और ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश समान रूप से पड़ता है, जिसके कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। नहीं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जो स्थिति होती है एक समान होती है, केवल एक चीज में अंतर होता है कि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, लेकिन 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, वसंत ऋतु होती है। बाकी दोनों स्थिति को क्या होता है, काफी ऐसी बातें हैं जो दोनों स्थिति को पृथ्वी पर कॉमन पाया जाता है। चलिए एक एक चीजों को हम लोग यहां समझते हैं पॉइंटली, ठीक है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, दोनों ही तिथियों को। 21 मार्च को भी विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और 23 सितंबर को, ठीक है। इस अवस्था में पृथ्वी का कोई भी ध्रुव क्या होता है, सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। जितने घंटे की दिन होगा उतने ही घंटे की रात्रि होती है। नहीं, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। लेकिन इसके विपरीत 21 मार्च की स्थिति को देखें तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। नहीं तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमारे पृथ्वी की जो अवस्था है, खास करके जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो घूमने के क्रम में उसकी जो अवस्था होती है सूर्य के सामने, उसी के कारण क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक है। और इस परिवर्तन का स्पष्ट प्रभाव हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलता है। पृथ्वी का अधिकांश भाग हम लोग देखते हैं, खास करके 21 मार्च, खास करके 21 जून को और 22 सितंबर को, क्योंकि 21 जून को पृथ्वी का जो दक्षिणी भाग है वह सूर्य से विपरीत झुका होता है, जिसके कारण दक्षिणी ध्रुव पर जितने भी जल की मात्रा है वह बर्फ बनी रहती है। ठीक यही स्थिति पृथ्वी पर कब होती है, 22 सितंबर को, और इस समय भी 22 दिसंबर को खास करके जब दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, सूर्य के तरफ झुका होता है, तो ऐसे समय में उत्तरी ध्रुव पर ठंड का मौसम होता है, इसलिए वहां अधिकांश जो जल है वह बर्फ के रूप में मिलता है। नहीं, हमारा जो देश है वह पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हमारे देश में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह जून के महीने में होता है। क्यों होता है, आज हम लोगों ने क्या किया इसको समझा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा दिन होगा, नहीं वह कब होगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर के दिन। नहीं तो आज हम लोगों ने क्या किया, विस्तार से पृथ्वी की गतियों को समझा, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसको भी समझा। इसी तरह का वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, हमारा ये नंबर है, ठीक है। सक्सेस की 92 चैनल आप लोग के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। सीटेट की तैयारी यहाँ करवाई जाती है काफ़ी धमाकेदार तरीके से, यहाँ प्रधान शिक्षक का क्लास चलता है, साथ साथ दक्षता वाले लोगों के लिए भी क्लास चलता है। नहीं और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसकी तैयारी यहाँ विशेष रूप से आप लोग को करवाया जाएगा और करवाई भी जाती है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी को भी आप विशेष रूप से समझना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें,
हमसे संपर्क करे, हमसे जुड़े और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझे, ताकि एग्जाम पास करना आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाए। इतने इतना समय दिया आप लोगों ने वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।